एक बार फिर हमारी शादी जो है वो बहुत ही स्ट्रेस के माहौल में हो रही है। लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था, मेरी शादी करुणा के साथ होने जा रही थी और हमें पता नहीं था कि गौरी वहाँ पर आके बैठ गई है। और आज भी ऐसा ही है, क्योंकि चुड़ैल का ख़तरा है, वो घर में आ सकती है, इसलिए सब चौकन्ने हुए हैं और इधर उधर देख रहे हैं कि कहीं वो आके कोई बाधा ना डाल दे। मेरी मतलब खुशी में भी कहीं ना कहीं वो टेंशन चेहरे पे साफ झलक रही है, साफ मतलब पता लग रहा है कुछ भी हो सकता है। अब खाली क्या बताएंगे, मतलब ये खुशी के माहौल में जो मायूसी छाई है। खुशी का माहौल ये है कि हम लोग इतने सालों के बाद री इनकारनेशन में पिछले जन्म में मिले थे, अब इस जन्म में भी हम लोग शादी करें और राजा और गौरी बनने की कोशिश करें। पर टेंशन ये है और समझ में ये नहीं आ रहा है कि पिछले जन्म में कालासुर ने बाधा डाली थी, तो ये चुड़ैल अब क्या करने वाली, तो वो टेंशन है। तो जैसे आपने कहा कि खुशी का भी फीलिंग है और दुख का भी, डर का भी फीलिंग है कि हमारी फैमिली को कुछ ना हो जाए। हमें अपनी तो पड़ी नहीं है, हमारी फैमिली की ज़्यादा पड़ी है। अच्छा, आपके घर में हवा में उड़ता हुआ कोई दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी आम सी बात है। आज भी शादी में वैसे कुछ हुआ है, हवा में कोई झूम रहा है, क्या रहा है, तो अजी हमारा जॉनरी ये है जहाँ हम लोग को टेंशन नहीं लेना चाहिए कि अरे ये कैसे हो गया, जॉनरी ऐसा सबकी बारी आती है, यू नो। बट मज़ा आता है यार, यहाँ पे चुड़ैल उड़ रही है और चुड़ैल ने मेरी बहन निधि को उड़ा दिया है साथ में, तो कोई ना कोई उड़ता रहता है। इट्स अ फन शो टू बी अ पार्ट ऑफ, एक्शन करने को मिलता है हार्नेस, अदरवाइज कहाँ मिलेगा आपको मौका, आप पैसे दे के भी ये एक्सपीरियंस नहीं गेन कर सकते। हाथ मिलते रहे, प्रोवोक प्रोवोक कर रही है वो, तो ये चुड़ैल की साथी लग रही है मुझे, प्रोवोक कर रही है। मैं हाथ मिलते नहीं रह रही हूँ और एक बार फिर हुआ ही नहीं है, क्योंकि राज हमेशा से गौरी से ही शादी की थी उन्होंने, तो आई थिंक हाथ करुणा ने मले थे, आप कंफ्यूज हो रहे हो। तो इस बारी भी मैं, अगर ये नहीं है वो चला जाता है, तो गुरुजी कहते हैं कि पंडित एक पत्नी ही इनको सपोर्ट कर सकती, इनको क्या बोलते हैं सेव कर सकती, सेव कर सकती है, मेरा स्पेल तोड़ सकती है, इसीलिए मैं एक उनके फोटो फ्रेम से शादी करती हूँ और फिर मैं वाइफ बन जाती हूँ आपकी। शादी की लिमिट सारी पार कर दी है कयामत की रात में। हम कयामत की रात में रोज कयामत करते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस।